तो ये है हमारी ननिहाल माता, और मैंने पूछा तो यहाँ पे बताया गया कि कम से कम 50 किलो सोना पहनाते हैं यार माता को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ जबलपुर की सुनरहाई माता की और नुनहाई माता की, जो रियल में सोना पहनती हैं। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो वो लोग बोले कि नुनहाई की माता 50 किलो का सोना पहनती हैं। और वहीं पे उस वक्त जब वो बता रहे थे भैया मुझको, वहाँ पे एक छोटा लड़का था, होगा 15-16 साल का, वो बोला कि 50 किलो से भी ज़्यादा सोना पहनती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कांचघर की काली जी के भी दर्शन कराने वाला हूँ, गुलजार होटल पे रखी हैं एक दुर्गा जी जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं उनके दर्शन कराने वाला हूँ, शास्त्री ब्रिज पे रखी हैं दुर्गा जी उनके दर्शन कराने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी मिक्स टाइप की होने वाली है, लेकिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी दुर्गा जी को कवर किया हूँ। तो मिलिए आप मुझको, मिलिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। 50 किलो का सोना पहनती हैं हमारी नुनहाई की माता, तो सुनरहाई में भी लगभग वही पोजीशन होगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। बता रहा हूँ ये वीडियो में माता रियल का सोना पहनती हैं, रियल का सोना और रियल की चांदी माता को पहनाई जाती है, यहाँ तक कि शेर भी पहनता है जिस शेर पर माता विराजमान रहती हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सारी चीजें ना समझ में आएंगी। ये जो रोड है, ये रोड है सैनिक सोसाइटी रोड। आगे आप जाएंगे तो शक्ति नगर की महाकाली जी रखते हैं, और यहाँ पे भी एक माता रखे हैं दुर्गा जी की। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से जा ही रहा था, अभी अभी एक वीडियो शूट किया हूँ शक्ति नगर की महाकाली जी की, तो जा रहा था तो मैं सोचा एक बार इन माता के भी आपको दर्शन करा दूं। कीजिए यार, अच्छा सजावट है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया पूजा हो रही है अभी, बढ़िया सजाएं। अरे रे, पीछे मोरी मोर के पंख हैं, सुंदर लग रही है माता। माता के पीछे सिर के मोर का पंख, मोर के पंख बहुत सारे हैं, बहुत प्यारी लग रही है। छह माता दी, छह माता दी। चलिए यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो निकलेंगे शारदा चौक, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे, आगे से मोड़ है, इस तरफ जाएंगे तो मिलेगा अपना दशमेश द्वार। देखिए माता को देखिए, पूरी वाइट कलर की हैं यार, अच्छी लग रही हैं। जय माता दी, बढ़िया सजाए हैं, कुछ अलग लुक है ये माता का। जय माता दी, जय माता दी, कलर ही अलग है यार, ड्रेस भी माता की, साड़ी अच्छी लग रही है। जय माता बढ़िया है, यहीं रखी गई है अंदर माता। और जहां मैं चल रहा हूँ ये अपोजिट चल रहा हूँ, इस तरफ अगर जाऊंगा तो पीछे साइड अपने तो निकलूंगा शारदा चौक, और यहाँ से आगे जाके एक चौक पड़ेगा, इस तरफ जाऊंगा तो दशमेश द्वार मिलेगा मुझको। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अच्छा सजा देते हैं यार लेकिन माता के दिन। जय माता दी। वाह यार, जय माता दी। जय माता दी, खूबसूरती यार, अच्छा ये लोग सजाए भी हैं यहाँ पे, पैटर्न जबरदस्त। अच्छा सजाएं। ये जो रोड है, ये होटल गुलजार यहाँ पे बगल में है, और आगे जाएंगे तो आप शास्त्री ब्रिज पड़ेगा, यहाँ आगे जाएंगे मदन महल, दशमेश द्वार। अच्छा सजाए हैं यार, बढ़िया सजाए हैं, खर्च किया गया है बहुत। और यहाँ पे ये हमारे सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं भाई, कैसे हो आप लोग? जय माता दी। शास्त्री ब्रिज, और सजावट देखिए आप यहाँ पे भी, बढ़िया सजाए हैं। उस दिन हम आए थे तो यहाँ पंडाल लगा रहे थे, और आज पंडाल बहुत हद तक लग गया है, माता जी रख दिए हैं। मैं आपको माता जी चल के थोड़ा दिखा दूँ, कितना ये लोग एफर्ट डाल के सजाते हैं यार, सच में काबिले तारीफ है। यहाँ पे है शास्त्री ब्रिज, और पंचमी के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी तो उतनी ज़्यादा सजावट है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए आप माता को, खूबसूरत लग रही हैं यार, फिनिशिंग अच्छी है मूर्ति की, जहाँ से भी अगर ये मूर्ति आई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी। जय माता दी।
ज्वारे रखे हैं उस तरफ, और ये सब बहुत हद तक सजाना बाकी है। पंचमी तक एकदम माहौल यहाँ का टनाटन हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल शादी का माहौल है, जैसा ये इस तरफ सजाए हुए हैं। ये इनका द्वार भी है माता का, सामने से मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अद्भुत दृश्य रहता है, अद्भुत। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ अपनी सुनरहाई माता और नुनहाई माता के दर्शन। अभी मैं पहुँच गया हूँ फुहारा में, और यहाँ से सीधे जाएंगे तो कमानिया गेट पड़ेगा, और कमानिया गेट के बाद कहानी कुछ और होगी। वो सजाए हैं क्या, ऐसे बाहर से देखने में नहीं लग रहा है, सब सिंपल ही लग रहा है। इन लोगों को तो ऐसे जितना नाम है, ये लोग का बढ़िया ऐसी लाइट लगानी चाहिए कि पूरा कमानिया गेट जगमग जगमग हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो हम आ गए हैं अभी कमानिया गेट पे, और बस कुछ ही देर में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। बने रहिए बस वीडियो में आप। ओह, सुनारों की दुकानों के बीच में आपका स्वागत है, लेकिन सारी दुकानें यहाँ पे बंद हैं। अभी टाइम 9:35 ही हो रहा है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, कुछ ही ओपन है। ओहो, दोनों गलियाँ ज़बरदस्त हैं। चलिए, पहले मैं जिस तरफ सीधा पड़ रहा उसी तरफ चलता हूँ, मतलब अभी मेरे लेफ्ट में मुझे सीधा पड़ा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ नुनहाई माता, और इसके जस्ट पीछे हैं अपनी सुनरहाई माता। अरे बाबा, दिखी दिखी दिखी। अरे यार, जबलपुर की सबसे डिफरेंट माता हैं ये, सच बता रहा हूँ आपको। सोने 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 के जेवर पहने हुए हैं, खूबसूरत यार। भीड़ देखिए आप, शेर भी पहनता है सोना, माता भी पहनती है सोना। शेर पहनता है ना, पता पहना तो है उसके। देखिए, आईज के बीच में है, आप देखेंगे वीडियो में, आगे साइड में लगाएं गाड़ी। नुनहाई माता की जय हो, जय नुनहाई माता। जय माता दी, जय माता दी। खूबसूरती यार, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, रुकिए आप। तो ये है हमारी नुनहाई माता, और मैंने पूछा तो यहाँ पे बताया गया कि कम से कम 50 किलो सोना पहनाते हैं यार माता को। सोच सकते हैं आप भक्ति, और रियल में यार, जो शेर भी पहना है, चाहे माता भी पहनी है, पैर में भी माता पहनी है, हाथ में पहनी है मुकुट उनका, और वो जो ऊपर उनका मुकुट के ऊपर है वो भी चांदी का होगा आई थिंक। 50 किलो सोना मायने रखता है यार, और ये नुनहाई माता है, और सुनरहाई माता में भी लगभग लगभग इतना ही पहनाते होंगे। तो ये थी हमारी नुनहाई माता, और अब चल रहा हूँ मैं सुनरहाई माता के पास। टाइम ज्यादा हो गया, सब्सक्राइबर्स मिल जा रहे हैं यार आजकल, गली गली में, शहर शहर में रोहित नाम के चर्चे बहुत हो रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप मुझको देखते हैं तो आइए यार मिलने मुझसे, आइए, ऐसे शर्माइए नहीं, फोटो वोटो क्लिक कीजिए, बढ़िया इंस्टाग्राम में आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए, 10:17 हो रहा है, और मैं 9:30 के आसपास यहाँ पे आया था। हम एंट्री ले चुके हैं सुनरहाई माता के अंदर, और वो बोले मुझको वहाँ के पंडित जी कि 50 किलो सोना माता को पहनाते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम तो इतना पहनाते ही हैं। गलियाँ यहाँ की काफ़ी तंग हैं, काफ़ी छोटी हैं, इसलिए जगह उतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, और भीड़ भी हो जाती है, काफ़ी लोग बैठे हैं। और देखिए आप सुनरहाई माता, गजब यार, बहुत ज़बरदस्त। साइड में लगा के गाड़ी दिखाता हूँ आपको। शॉप्स ये लोग बंद कर दिए हैं इसलिए क्योंकि ये लोग माता की सेवा में लग गए हैं, नहीं तो इतनी जल्दी शॉप्स बंद तो नहीं होनी चाहिए, 10-11 बजे आराम से बंद होना चाहिए। ये अपना जैन मंदिर,
आपने कमेंट करके मुझको बताया था, मुझको पता नहीं था। और देखिए आप सुनरहाई माता को, अगर वो माता 50 किलो पहनी है तो ये भी 50 किलो से कम नहीं पहनी होंगी। पास से दिखाता हूँ, रुकिए आप अच्छे से देखिए। जय सुनरहाई माता। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ। तो ये आपने दोनों माताओं को देख लिया, एक सुनरहाई माता और दूसरी नुनहाई माता। दो लोग अलग अलग रखते हैं सामने सामने गली में, एक तरफ है नुनहाई माता और दूसरी तरफ है हमारी सुनरहाई माता। और यहाँ से अगर मैं सीधे जाऊँगा तो निकलूंगा घमापुर में, तो बीच बीच में यहाँ भी बेलबाग में और भी किसी किसी चौक पे माताएं रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो दिखा दूंगा, उसी लिए इस वीडियो को अभी आगे मैं और लंबा कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैं बात ही कर रहा था कि सजावट यहाँ पे अभी शुरू होगा। ये देखिए हो रहा है, मतलब टाइम लगेगा, पंचमी तक ये लोग कर देंगे होपफुली। पंचमी के पहले कर देना चाहिए यार, वो सामने है पंडाल, क्योंकि पंचमी के बाद सिर्फ 5 दिन ही बचते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि देखिए साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है, ये मंच बन रहा है, तो 5 दिन के लिए ही अगर आप रखेंगे, या फिर कई लोग शरद पूर्णिमा तक भी माता को रखते हैं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा फिर 6 दिन 7 दिन आप रखेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट डे से ही रख देते हैं और सोचिए शरद पूर्णिमा तक रखेंगे, तो कम से कम अपने को 15 दिन 16 दिन मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। 5 दिन पहले रखो, उसके बाद माता को विसर्जित कर दो, तो फिर उतना मज़ा आता नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब जो पंचमी को रखते हैं माता को, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, उसलिए वो लोग पंचमी को रखते हैं, तो गलत नहीं है। नहीं तो आप बोलने लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए एक माता यहाँ भी रखेंगे, अभी रखे नहीं हैं, नहीं नहीं ये तो बैंड वाले थे, सॉरी, आगे रखेंगे, यहाँ पे रख दिए हैं क्या, रख दिए हैं क्या, नहीं जी अभी स्टेज सज रहा है, मंच सज रहा है, यहाँ भी आएंगी माता, अब देखिए किस दिन आएंगी। यहाँ बहुत सारे पटाखे तो फूटे हैं, आ रही हैं क्या, अरे भाई दुर्गा माँ आ रही हैं, दुर्गा माता आ रही हैं क्या, अच्छा क्या ज़बरदस्त भीड़ लगी है यहाँ पे। अभी मैं आ ही रहा था वहाँ से ना, तो बीच में लाडगंज की माता अभी आने लगी थी। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा पब्लिक, और ऐसे नगाड़े ढोल बजा रहे ना वो लोग, यार कान के पर्दे एकदम हिल गए हैं मेरे। अभी मैं बोल रहा हूँ हेलमेट के अंदर भी ना, तो बहुत तेज़ तेज खुद की आवाज़ ही लग रही है। एक माता यहाँ भी रखी जाएंगी, पूरा रास्तों में ये लोग बम पटाखे फोड़ दिए। अरे ये काली जी यहाँ भी रखी गई है, लेकिन ढके हैं उनको। शीतला माई में आपका स्वागत है, और क्या ज़बरदस्त यहाँ भी सजावट किए हैं। यहाँ पर जो शीतला माई मंदिर है ना, उनके लिए ये सजाए होंगे यार ये लोग। ये जो डिवाइडर है ना, दोनों तरफ से डिवाइडर को कवर किए हैं और बीच में लाइट्स लगा दिए हैं। ये आ गया वो मंदिर हमारा शीतला माई मैया का, जय शीतला माई मैया। और अब हम लोग कांचघर में एंट्री लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, यहाँ पे एक पंडाल बन रहा है, और ये भी लाइट्स लग रही हैं। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा, जलेंगी तो आपको दिखेगा वीडियो में, रात में कई बार समझ में नहीं आता है। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमको कांचघर की काली माता को दिखाओ, तो उस वीडियो को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब हम लोग चलते हैं कांचघर की काली माता के पास, चलिए यहीं से चलता हूँ मैं। इस बार ज़्यादा बड़ी माता ये लोग रखे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनसर्टेन चीज़ हो गई थी, उसी के चलते यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मूर्ति की स्थापना ये लोग किए नहीं हैं, तो छोटी सी ही माता ये लोग रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको उनके ही दर्शन करा देता हूँ। ओहो गाड़ी ही बंद हो गई। जय काली मैया। थीम लेकिन ये लोग का अच्छा लगता है, जय काली मैया। लाइट्स चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, और कीजिए दर्शन आप घर से बैठ के। अभी और सजाना बाकी है, सजावट अभी हो ही रही है, पंचमी तक स्थिति कुछ और होगी। आज तो दूसरा ही दिन है ना, पंचमी के बाद से माहौल बदलेगा। यहाँ मैं आया था कांचघर में काली मैया के पास, और यहाँ भी हमारे को सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। चलता हूँ भाई लोग ना, अपने सब्सक्राइबर्स हर जगह उपस्थित हैं यार। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप लोग मुझको देखते हो तो आओ मिलो, बात करो, अच्छा लगता है यार, मुझको भी अच्छा लगेगा,
आपको भी अच्छा लगेगा मिलके। तो जी आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दिया, अब इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत महंगी वीडियो है। 50 किलो का सोना मैंने आपको नुनहाई की माता में दिखाया और लगभग उतना ही सोना मैंने आपको सुनरहाई की माता में दिखाया, उसके बाद राजघर की काली जी को दिखाया। मिलिए आप मुझसे अगली वीडियो में, दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलो, आपका नाम रोहित है? हाँ भाई, अरे भाई मिलते हैं ना भाई, अभी मिलते हैं ना, आपसे मिलते हैं। ये देखा मैंने।